नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ हिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में फरियादी ही निकला लूट का अपराधी। कर्ज होने के कारण क्राइम पेट्रोल सीरियल से आइडिया लेकर बनाया था प्लान। सावनेर तहसील के खापरखेड़ा थाना अंतर्गत आने वाली गुमथला शिवार में दो अज्ञातों द्वारा हिंदुस्तान लिवर कंपनी के स्टाकिस्ट गणेश ट्रेडर्स, सावनेर के वसूली मैनेजर के रूप में कार्यरत राकेश वसंत छिलपे 37 सावनेर निवासी को करीब 7 लाख रुपये चाकू की नोक पर दो अज्ञातों द्वारा लूट कर भागने की घटना की। जाँच के दौरान खापरखेड़ा थानेदार ओम प्रकाश कोकाटे, स्थानीय अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण के सहायक थानेदार अनिल राउत ने फरियादी राकेश छिलपे को खापरखेड़ा थाने लाकर उसे पुलिसिया ढंग से आड़े हाथों लिया। आरोपी राकेश छिलपे ने बताया कि उस पर किसी संस्था का करीब 4 लाख रुपए का कर्ज है। संस्था के वसूलदारों द्वारा उस पर बार बार कर्ज की रकम अदायगी की सूचनाओं से परेशान होकर उसने उक्त प्लान बनाया। योजना के तहत उसने अपने दोस्त प्रशांत राम बराठी को शामिल कर घटना के वक्त उसे करीबी पाटन सामली ग्राम बुलाकर उक्त रकम उसके हवाले कर वापस घटना स्थल पहुंचकर अपना मोबाइल तोड़ दिया तथा दूसरे मोबाइल के से मालिक दिलीप जैन को उक्त लूटे जाने की घटना की सूचना दी। लूट की रकम बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के पीछे से 2500 तथा 100-100 के नोटों से भरा जामनी रंग का बैग जब्त किया, जिसमें कुल 5,74,000 रुपये प्राप्त किए। उक्त बनावटी वारदात का नागपुर अपराध शाखा और खापरखेड़ा पुलिस ने 24 घंटों में हल करने पर सभी अधिकारी कर्मचारियों के कर्तव्य क्षमता की सभी प्रशंसा की जा रही है। सामने संवाददाता मुकेश हरबड़े की रिपोर्ट। काल दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजी साधारणतः 18 वाजेच्या सुमारास राकेश झिलपे व त्याचे मालक दिलीप जैन पोलीस स्टेशनला आले व त्यांनी अशी हकीकत कथन केली की राकेश झिलपे जो आहे तो त्यांच्याकडे मागील 20 वर्षापासून कामास आहे। दिलीप जैन यांच्याकडे हिंदुस्तान लिवर कंपनीची एजन्सी असून त्यांच्याकडे या ग्रामीण जिल्ह्याचे डिस्ट्रीब्युशन आहे। त्यांचं ऑफिस दापेवाडा सावनेर या ठिकाणी आहे। फिर्यादी राकेश झिलपे याने काल अशी हकीकत सांगितली की तो 6,23,000 कॅश घेऊन येत असताना त्याला 2 अनोळखी इसमांनी मोटरसायकलने पाठलाग केला आणि चाकूचा धाक दाखवून त्याच्याकडून ती कॅश लुटून नेली। तसेच त्याचा मोबाईल फोडला व त्याच्या मोपेडची चावी जी आहे ती जंगलात फेकून दिली। सदर हकीकतीवरून काल खापरखेडा पोस्ट येथे 433/22 कलम 392, 341, 507, 34 भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। गुन्ह्याच्या तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले की राकेश झिलपे याच्यावर जगनाडे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे जवळपास 3,85,000 कर्ज असल्या कारणाने त्यांनी हा प्लॅन बनवलेला होता आणि त्यानेच त्याच्या मित्राजवळ ही रोख रक्कम पाटण सावंगी येथे काल दिली आणि असा प्लॅन करून तो देखावा त्यांनी निर्माण केला की मला लूटमार झालेली आहे आणि 2 अनोळखी इसमांचे त्यांनी त्याला क्राईम पेट्रोल पाहण्याची सवय असल्या कारणाने त्यावरून त्यांनी ते ही प्रेरणा घेतली आणि अशा प्रकारची स्टोरी बनवून गुन्हा दाखल केलेला। प्रशांत वाठी याच्याकडून गुन्ह्यातील संपूर्ण कॅश ही रिकव्हर झालेली आहे, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिकव्हर झालेली आहे आणि पुढे अधिक तपास चालू आहे।